वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस स्टेट में कितना कंपटीशन रहने वाला है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी स्टेट्स के अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि कितना जो भी स्टेट है, किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, क्या कॉम्पिटिशन रहेगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है, ये इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी के फॉर्म। आप सभी ने जिनने भी फिल किए हैं, 7 मई को अब आपका एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो जिनने अप्लाई किया है सबसे ज़्यादा, अब की बार अगर मैं प्रीवियस ईयर्स देखूं तो अब की बार 2023 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। 21 लाख स्टूडेंट्स ने अब तक अप्लाई किया कर दिया है, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम बात कर लेते हैं जो ये 21 लाख प्लस स्टूडेंट्स है, किस स्टेट के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अप्लाई किया है, कहाँ ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ भी वहाँ ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने एप्लीकेंट है, कितनी सीटें हैं, उन्हीं के बेसिस पर जो है कट ऑफ आपकी निकलती है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर जो कंपटीशन है गाइस, वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो अप्लाई किया है स्टूडेंट्स ने, महाराष्ट्र स्टेट से स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, मैं पूरी टेबल भी आपको दिखाऊंगी। सेकेंड नंबर पर जो स्टेट है वो आ गया यूपी स्टेट है, तो यूपी स्टेट के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए, तो गैस ये आपका डेटा है। सबसे पहले अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूँ, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कंपटीशन देख ले किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो देखिए जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, हमें रजिस्टर्ड देखना है, क्योंकि ये जो लिस्ट है 2022 की है, और 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अप्लाई किया जिन स्टेट से, सेम आपकी 2023 की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र स्टेट के हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 256,126 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है महाराष्ट्र के अंदर। और सेकेंड नंबर गाइस जो है वो यूपी स्टेट का है। तो यूपी अगर हम देखेंगे तो आप देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश के अंदर जो टोटल एप्लीकेबल है 229,115। तो जो अब जो भरा है 2023 के अंदर, जो आपका भरा है वो भी महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे यूपी है। मतलब जो टेबल है एज इट इज़ आपकी रहने वाली है। यहाँ से आपको देखना है सभी स्टेट्स के यहाँ पर आपके दिए गए हैं, किस स्टेट ने कितने, किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। देखिए ये ऑफिशियल डेटा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2021 का है, 2022 का है। तो 2021 का आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉप कर देना है। आपका जो डेटा काम का है वो ये डेटा काम का है, कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया था किस स्टेट में, कितनों ने जो है अप्लाई किया था, जो अपीयर हुए थे, जिन्हें एग्ज़ाम दिया था मतलब, और कितने स्टूडेंट्स उनमें क्वालिफाई हुए थे। तो ये इनका पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, दिल्ली के अंदर होता है, यूपी में मिलेगा आपको कॉम्पिटिशन, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, ये स्टेट ऐसे है कि एमपी के अंदर, इनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र स्टेट में कंपटीशन होता है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सीटें, कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी न्यू कॉलेजेस भी 2023 के सेशन में ओपन हो रहे हैं, 6 नए कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपना देख लेना है कि आपके स्टेट में कंपटीशन कितना है, ठीक है। फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।